न्यूज 18 पंजाब पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है राजा वड़िंग जी। राजा वड़िंग जी, जो बैठक हुई है, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई? कि आपका बयान हमने सुना, पंजाब से निकल रहे थे, कि गठबंधन को लेकर क्या यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए? मैंने वहां भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगा कि ये मीटिंग गठबंधन के लिए बनाई। उन्होंने ये तमाम प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स हो रही हैं, पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर हो रही हैं, और किस प्रकार से जो स्टेट यूनिट काम कर रहा है उसको लेकर आज की मेरे को लगा ये मीटिंग थी। हर व्यक्ति ने अपने विचार रखे, लीडरशिप में विचार सुने और बहुत सी चीजें हमने कही। हम आने वाले दिनों में वो तमाम चीजें प्रदेशों में करेंगे ताकि हम मजबूती से प्रदेश के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव लड़ सकें। महत्वपूर्ण सवाल प्रशासन को लेकर, क्योंकि बड़े नेता छोटे नेता को एक साथ लेकर चलना है, ब्लॉक लेवल ग्रुप लेवल पे एकजुटता दिखानी है, ऐसे में अनुशासन किस तरीके से तमाम नेता रखे? भाई साहब, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन खड़गे जी की तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से सब लोगों को दिया गया कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। जो व्यक्ति अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ, इस प्रकार की अगर किसी के कोई अपने विचार थे, ये इस बात लीडरशिप की तरफ से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के अपने अपने विचार लोगों ने अपनी अपनी तरफ से किसी प्रकार के रखे, लेकिन बात ज्यादा क्या हुई कि स्ट्रैटेजी किस प्रकार से चुनाव करना है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना है, कैसे हमने आने वाले 6 महीनों में अपनी तैयारी करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, कैसे हमने बूथ पर वो लोग काम करेंगे, उनके लिए हमने क्या उनको मिशन देना है, ये तमाम सारी चर्चा हुई। सब लोगों ने अपनी बातचीत रखी लीडरशिप के सामने और लीडरशिप ने कहा, जैसा मैं आपको पहले कह के गया हूँ, कि किसी प्रकार का कोई भी जो अपने आपके लोगों के विचार है हम उनको सुनेंगे, उनके मुताबिक ही आने वाला जो प्रोग्राम है, चाहे वो बूथ कमेटियां बनानी हो, चाहे कोई और कार्यक्रम शुरू करना हो, चाहे कोई पद यात्रा शुरू करनी हो, वो हम आने वाले दिन में उनको देंगे। न्यूज 18 पंजाब पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है राजा वड़िंग जी। राजा वड़िंग जी, जो बैठक हुई है, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई? कि आपका बयान हमने सुना, पंजाब से निकल रहे थे, कि गठबंधन को लेकर क्या यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए? मैंने वहां भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगा कि ये मीटिंग गठबंधन के लिए बनाई। उन्होंने ये तमाम प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की बैठकें हो रही है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स हो रही है, पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर हो रही है, और किस प्रकार से जो स्टेट यूनिट काम कर रहा है उसको लेकर आज की मेरे को लगा ये मीटिंग थी। हर व्यक्ति ने अपने विचार रखे, लीडरशिप में विचार सुने और बहुत सी चीजें हमने कही। हम आने वाले दिनों में वो तमाम चीजें प्रदेशों में करेंगे ताकि हम मजबूती से प्रदेश के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव लड़ सकें। महत्वपूर्ण सवाल प्रशासन को लेकर, क्योंकि बड़े नेता छोटे नेता को एक साथ लेकर चलना है, ब्लॉक लेवल ग्रुप लेवल पे एकजुटता दिखानी है, ऐसे में अनुशासन किस तरीके से तमाम नेता रखे? भाई साहब, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन खड़गे जी की तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से सब लोगों को दिया गया कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। जो व्यक्ति अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ, इस प्रकार की अगर किसी के कोई अपने विचार थे, ये इस बात लीडरशिप की तरफ से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के अपने अपने विचार लोगों ने अपनी अपनी तरफ से किसी प्रकार के रखे, लेकिन बात ज्यादा क्या हुई कि स्ट्रैटेजी किस प्रकार से चुनाव करना है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना है, कैसे हमने आने वाले 6 महीनों में अपनी तैयारी करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, कैसे हमने बूथ पर वो लोग काम करेंगे, उनके लिए हमने क्या उनको मिशन देना है, ये तमाम सारी चर्चा हुई। सब लोगों ने अपनी बातचीत रखी लीडरशिप के सामने और लीडरशिप ने कहा, जैसा मैं आपको पहले कह के गया हूँ, कि किसी प्रकार का कोई भी जो अपने आपके लोगों के विचार है हम उनको सुनेंगे, उनके मुताबिक ही आने वाला जो प्रोग्राम है, चाहे वो बूथ कमेटियां बनानी हो, चाहे कोई और कार्यक्रम शुरू करना हो, चाहे कोई पद यात्रा शुरू करनी हो, वो हम आने वाले दिन में उनको देखेंगे।